हेलो स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये पीछे के तीन चैप्टर जो हमारे चैप्टर 14, चैप्टर 15 और चैप्टर 16 हैं साइंस में, ये एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर बेस्ड है और वेटेज तो वैसे ही तीनों चैप्टर का मिला के ज़्यादा नहीं है। पर अगर ये चैप्टर को देखें तो प्योरली थ्योरी चैप्टर्स हैं, इसमें ऐसा कुछ भी याद करने की चीज़ें ज़्यादा है रादर देन समझने की चीज़ें। तो इन चैप्टर्स का अगर आपका प्रिपरेशन का मोड अलग होना चाहिए, आप इसमें कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके देख सकें कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, अंदर अंदर कितने क्वेश्चंस हैं ऐसे छुपे छुपाए, उन क्वेश्चंस को आप सिलेक्ट करने की कोशिश करिए, कहीं से हो सके तो उन क्वेश्चंस को लीजिए। मैं भी कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा इधर से ज़्यादा क्वेश्चंस ट्राई करूँगा प्रोवाइड करने के, और उसके बाद उनको याद करिए एक बार। तो अगर जैसे जैसे अभी एक बार अगर हम ये वीडियो देखते हो आप, चैप्टर पूरी ख़त्म होती है जब इसके कुछ पार्ट्स में, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको पता चल जाएंगी और क्वेश्चन आंसर्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा ही साथ ही साथ। तो उनको अगर याद भी कर लोगे तो 90% काम इन चैप्टर्स के लिए हो जाएगा, चैप्टर 14, 15 और 16 के लिए ख़ास तौर पर बता रहा हूँ। तो चैप्टर 14 में देखो क्या है इसमें। इन क्लास 9th वी लर्न दैट टोटल एनर्जी ड्यूरिंग, मैं रीड कर दे रहा हूँ ये जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मुद्दे की चीज़ें हैं उसको फिर हम लोग देख लेंगे। इन क्लास 9th वी लर्न दैट द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इज कंजर्व्ड। ये हम लोग जानते हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होता है। वाई देन डू यू हियर सो मच अबाउट द एनर्जी क्राइसिस? इफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वी शुड हैव नो वरीज, वी शुड बी एबल टू परफॉर्म एंडलेस एक्टिविटीज विदाउट थिंकिंग अबाउट द एनर्जी रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो आती है आपकी पहली क्वेश्चन इस तरह की बन सकती है कि वाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये वाला क्वेश्चन, वाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट। इसका देखिए, ये इसी पैराग्राफ में इसका आंसर छुपा हुआ है। This riddle can be solved if we recall what else we learned from energy. Energy comes in different forms and one form can be converted to another. For example, if we drop a plate from a height, the potential energy of the plate is converted mostly to sound energy. If we light another process, the y-axis converted to heat energy and light energy on burning. What other products are obtained when we burn a candle? ठीक है, इसके बाद द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिमेन्स द सेम बट बर्निंग टूगेदर। तो इसमें ये चीज़ें लिखी हुई है कि बेसिकली जब भी कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं या फिजिकल रिएक्शंस होती हैं तो एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। लेट अस कंसिडर एनदर एग्जाम्पल। सपोज यू टेक 100 ml ऑफ वाटर विच हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ 348 केल्विन and leave it in a room where the temperature is 298 Kelvin, what will happen? Is there any way of collecting all the heat lost in the environment, making the water hot once again? तो इसमें अगेन वही चीज़ लिखा है कि हीट लॉस होता है जब हम कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह या कुछ भी हम करते हैं, जब भी कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होती है या भी, तो वो एनर्जी जाती कहाँ है? कुछ चेंजेस तो होती ही हैं सिस्टम के अंदर, एनर्जी की चेंजेस होती ही हैं। तो यहाँ पे जो है मेन जो ये तीन लाइन देखो, इन एनी एग्जांपल डेट यू कंसीडर वी विल सी डैट एनर्जी इन द यूजेबल फॉर्म इज डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग्स इन लेस यूजेबल फॉर्म। मतलब जो एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को मैंने अपने आंसर में भी डाला है। एनर्जी इन द यूजेबल फॉर्म इज डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग्स इन लेस यूजेबल फॉर्म्स, हैंस एनी सोर्स ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, तो देखिए इसको, एनर्जी इन द यूजेबल फॉर्म इज डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग्स इन लेस यूजेबल फॉर्म्स, हैंस एनी सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज टू डू वर्क इज कंज्यूम्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नेसेसरी। तो इसमें जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जो एनर्जी हमारे पास है यूजेबल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में किस तरह की एनर्जी रहती है हमारे अपने पास, जो बैटरीज हैं बेसिकली, जो अपने पास इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ये सब यूजेबल फॉर्म की एनर्जी हैं, और ये जब यूज होती हैं तो दे आर डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग्स इन लेस यूजेबल फॉर्म, ठीक है ना। तो जैसे अपने आप मान लीजिए बैटरीज यूज़ किए, तो बैटरीज की जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाती है सराउंडिंग्स को, और वो जो एनर्जी डिसिपेट होती है उसको आप तुरंत से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो
लेस यूजिबल फॉर्म्स में चली जाती है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि अनयूजिबल फॉर्म में, लेस यूजिबल फॉर्म में चली जाती है। हैंस एनी सोर्स ऑफ एनर्जी यू यूज टू डू वर्क इज कंज्यूम्ड एंड कैन नॉट बी यूज अगेन। तो इसलिए वो बोल रहा है कि जो भी एनर्जी होती है उसको वापस से हम कंज्यूम नहीं कर सकते, और इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ नेसेसरी। ये हो गई जो मेन मेन बातें। तो इस पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि एनर्जी जो है अपना फॉर्म चेंज करता है, और इसलिए यूजिबल फॉर्म टू अनयूजिबल फॉर्म हो जाता है, उस कारण से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इम्पॉर्टेंट है। तो अब आ जाते हैं इसमें, व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट कैन देन बी कंसिडर्ड गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, किस एनर्जी को हम अच्छा सोर्स मान सकते हैं एनर्जी का। इन आवर डेली लाइफ यूज एनर्जी वेरियस सोर्सेज फ्रॉम डूइंग वर्क, वी यूज डीजल। तो ये कुछ एग्जांपल्स दे रखा है, जैसे डीजल हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और हम लोग अपने मसल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें काफ़ी एनर्जी रहती है, तो उसको मस्कुलर एनर्जी बोल सकते हैं। तो द मस्कुलर एनर्जी फॉर कैरिंग आउट फिजिकल वर्क वगैरह वगैरह सब दिया हुआ है। कुकिंग के लिए हम लोग CNG वगैरह यूज़ करते हैं। वी नीड टू नो हाउ टू सिलेक्ट द एनर्जी इन यूजुअल फॉर्म। तो बेसिकली यहाँ पे मुद्दा ये है कि क्या क्वालिटीज़ होते हैं एक अच्छे एनर्जी सोर्स का, क्या क्या हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाला है, तो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ गुड फ्यूल, इसको देखते हैं। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ गुड फ्यूल, एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। ये कर इसको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जो भी बातें हैं सब इसमें लिख दिया मैंने। एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम बहुत कम सम, शुड बी एबल टू डू मोर वर्क इन लेस फ्यूल कंज्यूम्ड, ठीक है। मान लीजिए आपने 1 लीटर केरोसिन लिया और 1 लीटर आपने पेट्रोल लिया, तो जो ज़्यादा काम कर सकता है, 1 लीटर पेट्रोल में अगर ज़्यादा काम हो सकता है तो उसको बेहतर फ्यूल माना जाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हुई। तो हाई एफिशिएंसी, जो थोड़े से क्वांटिटी में ज़्यादा काम कर सकता है उसको एक्सेसिबल। मतलब ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे मान लीजिए छत्तीसगढ़ रायपुर में बैठे हैं और रायपुर में एक अच्छी सी बहुत बढ़िया एनर्जी सोर्स है, ठीक है, लेकिन वो मिलती नहीं है रायपुर में, तो उसको फिर गुड फ्यूल नहीं माना जाएगा। गुड फ्यूल वो होगा जो हर जगह इजीली अवेलेबल हो, शुड बी इजीली अवेलेबल। तीसरा, शुड बी वेरी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अब कुछ एनर्जी ऐसे होते हैं काफ़ी, मतलब अच्छे, तो मतलब ये दोनों तरीके से अच्छे होते हैं, एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, एक्सेसिबल भी होती हैं, लेकिन बहुत ही वोलाटाइल होती हैं। आप उसमें थोड़ा सा भी छेड़खानी करोगे तो हो सकता है फटवट जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब है ना। तो इसलिए शुड बी ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे आप चाहो तो एक वर्ड और यूज़ कर सकते हो, शुड बी सेफ, ईजी, एंड आप चाहो तो ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, सेफ, शुड बी ईजी एंड सेफ टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। फिर चौथा पॉइंट, सस्ती होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट, शुड कॉज एज लिटिल पॉल्यूशन एज पॉसिबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब आप पाओगे कि हर जगह यही सब चीज़ें लिखी हुई है, पॉल्यूशन, तो कम पॉल्यूशन क्रिएट होना चाहिए, ज़्यादा धुआं हुआ नहीं होना चाहिए। और छठा पॉइंट, जो उतना ज़रूरी नहीं है फिर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, शुड हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। इसका अर्थ यह है कि आग जल्दी पकड़नी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप उसमें आग ट्राई किए जा रहे हो बड़े देर से पकड़ रही है आग। इग्निशन टेम्परेचर वो होता है कि उस टेम्परेचर पर वो फ्यूल जो है आग पकड़ लेता है, तो वो है शुड हैव मॉडरेट मतलब एवरेज इग्निशन टेम्परेचर उसका होना चाहिए। उसी कंटिन्यूएशन में तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ अ गुड फ्यूल, ठीक है। अब ये ऊपर का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम है, आंसर्स भी लगभग सेम ही मिलेगा। ए फ्यूल व्हिच प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग बट डज नॉट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक इज इजीली अवेलेबल कैन बी सेट टू बी ए गुड फ्यूल। तो ऊपर के तीन पॉइंट्स को मैंने एक पैराग्राफ बना के यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, सेम चीज़ है। एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऊपर कैंसर्स भी लिख सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। व्हिच इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड व्हाई, सन,
Sun is the ultimate source of energy. अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वाई में आपको गिव डिटेल ऑन हाउ सन इफेक्ट्स ईच सोर्स ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ेगा कि सन कैसे सारे एनर्जी सोर्स को इफेक्ट करता है. तो आपको उसमें डिटेल में सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी, जैसे सन फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, सन के द्वारा आपका सोलर सेल्स वगैरह सब एनर्जी मिलती है, और जितने भी आप देख रहे हो बेसिकली वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सन से ही उसको एनर्जी मिलती है. इसलिए सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. इसमें मैंने एक जनरल से क्वेश्चन डाला है, इफ़ यू कुड यूज़ एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड व्हिच वन वुड यू यूज़ एंड व्हाई. तो ये एप्लीकेशन बेस्ड आ गया कि कौन सा यूज़ करना चाहिए अपने को. तो ये पूरा पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड कर रहा है. आपने अगर आपने जो भी आंसर देना है उसका आपको रीज़न लिखना पड़ेगा. जैसे हमने यहाँ पे LPG, CNG और इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंसिडर फॉर इट, हमने ये लिखा, और उसका हमने रीज़न क्या लिखा, थर्मल एफिशिएंसी इज लार्ज. अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में ये रीजंस वगैरह जो रहती हैं, ये लगभग सारे क्वेश्चंस में इस तरह के रीज़न आने चाहिए. देर इज़ अ लेस पॉल्यूशन, दिस फ्यूल्स आर इजीली अवेलेबल, क्योंकि ये सब हम लोग कोई भी एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं जैसे, तो ऑब्वियसली उसके उसका यूज़ करने का रीज़न वही है क्योंकि वो अच्छा एनर्जी सोर्स है. और अगर वो अच्छा एनर्जी सोर्स है तो ऊपर जो कारण सब लिखे थे वो कारण सब इसमें रिफ्लेक्ट होने चाहिए. तो उसके लिए थर्मल एफिशिएंसी इज लार्ज, देर इज़ लेस पॉल्यूशन, दिस फ्यूल्स आर इजीली अवेलेबल. ये तीन कारण जो मैंने लिखे हैं ये बेसिकली बोल सकते हो कि ऊपर से ही लिया गया है, उनको लिखा गया है. फिर अब देखो ये तीन क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये सब एक्चुअली ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे. व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट इज़ अ गुड फ्यूल, ठीक है ना. अब आ जाते हैं अगले सेक्शन में जो है कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स. सबसे पहले नेम एनी टू फॉसिल फ्यूल्स. अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है डायरेक्ट लिखोगे आप कोल एंड पेट्रोलियम. कोल एंड पेट्रोलियम आर टू फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स होते क्या हैं, जैसे आज से कई साल पहले, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, जो जानवर थे जब वो क्लाइमेट चेंज या किसी भी कारण से जब पूरी तरह से ख़त्म हो गए, वो एक्सटिंक्ट कर गए, तो उनका जो रिमेनिंग्स है वो रॉक्स के बीच में दब गया, और कई सालों तक वो उसी अवस्था में रहा, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो डिग्रेड होते 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 उसके अंदर जो एनर्जी थी वो बेसिकली कन्वर्ट हो गई फ्यूल में, और उस फ्यूल को हम लोग फॉसिल फ्यूल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो रिमेनिंग्स थे उन बेसिकली उन लिविंग क्रिएचर्स के जो रिमेनिंग्स थे, उन रिमेनिंग्स को हम लोग फॉसिल बोलते हैं, और उन रिमेनिंग्स से बनी हुई फ्यूल को फॉसिल फ्यूल बोली जाती है. ये देखिए, इन एंशियंट टाइम्स वुड वॉज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी. द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वॉज ऑल्सो यूज्ड फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज. कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दिस यूजेस. ये सब ऐसे लिखा, एक्सप्लोटेशन ऑफ, ये वाला पॉइंट देखो, द एक्सप्लोटेशन ऑफ कोल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मेट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. हुआ कोल की वजह से वो लिखा है, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज लेड टू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट हैज़ ऑल्सो कॉज द ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी टू ग्रो एट ए ट्रिमेंडस रेट. द ग्रोइंग डिमांड फॉर एनर्जी वॉज लार्जली मेट बाय द फॉसिल फ्यूल्स कोल एंड पेट्रोलियम. आवर टेक्नोलॉजीज वेर ऑल्सो डेवलप्ड फॉर यूजिंग दिस एनर्जी सोर्सेज, बट दिस फ्यूल्स वेर फॉर्मड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एंड देयर आर ओनली लिमिटेड रिजर्व्स. द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल. यहाँ पे देखिए ये कुछ ये जो पॉइंट है, द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सो वी नीड टू कंजर्व देम. ये हाँ
Your point. But these fossil fuels are formed over millions of years ago. There are only limited reserves. The fossil fuels are non-renewable sources of energy, so we need to conserve them. ये देखिए, ये दो चीज़, ये चार लाइन जो लिखी हैं, इसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लिख दिया गया है. अब ये देखिए, छोटी सी बात है, पैराग्राफ के अंदर ऐसे ही लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो आपको वो आंसर याद रखना है. जो बुक के जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से ये बुक के पॉइंट्स लिखना ज़्यादा बेहतर है. इफ़ वी वर टू कंटिन्यू कंज्यूम, ऐसा नहीं कि फॉसिल फ्यूल्स का कुछ भी लिख दोगे, ज़्यादातर ये कारण वगैरह लिखना ज़्यादा अच्छा. और भी हैं डिसएडवांटेजेस, वो भी आपको देखने को मिलेंगे. इफ़ वी वर टू कंटिन्यू कंज्यूमिंग दिस सोर्सेज इन सच अलार्मिंग रेट्स, वी वुड सून रन इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस अल्टरनेट लार्ज डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी फॉर. अच्छा, ये तो हो गई कि नॉन रिन्यूएबल है इसलिए ख़त्म हो सकता है, इसलिए हमको देख के चलना चाहिए वगैरह वगैरह लिखा हुआ है. यहाँ पर आ जाओ अब, और भी कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं. बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स हैज़ अदर डिसएडवांटेजेस टू, क्या है वो? वी लर्न इन क्लास नाइन्थ, ये देखिए यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, वी लर्न इन क्लास नाइन्थ अबाउट द एयर पॉल्यूशन कॉज बाई बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सल्फर डेट आर रिलीज ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स. दिस लीड टू एसिड रेन विच इफेक्ट्स आवर वाटर एंड सॉयल रिसोर्सेज. इन एडिशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन रिकॉल द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इसने ये लिख दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो ये चीज़ पूछा सकता है. और इसमें और क्या क्या लिख दिया इसने कि ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन सल्फर जो हैं वो रिलीज होते हैं, ये सब हैं इसके डिसएडवांटेजेस. एसिड रेन होती है इसकी वजह से, ये डिसएडवांटेजेस है, ठीक है ना. तो काफ़ी सारे पॉइंट्स इसने लिख दिए. और द पॉल्यूशन caused by burning fossil fuels can be somewhat reduced by increasing the efficiency of the combustion process and using. तो ये सब अब क्या क्या कर सकते हैं बेहतर करने के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए वो सब चीज़ों के बारे में. द पॉल्यूशन caused by burning fossil fuels can somewhat reduced by increasing the efficiency of the combustion process and using various techniques to reduce the escape of harmful gases. तो एफिशेंसी बढ़ाने की बात कर रहा है, और क्या, पॉल्यूशन कम करने की बात कर रहा है. और यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू नो फॉसिल फ्यूल्स आर द मेजर फ्यूल्स यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. उसके एडवांटेज की बात करने लग गया. अब बोल रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के काम आता है. और इसके एडवांटेज एक और यह है कि बहुत इजीली अवेलेबल है. तो ये कुछ चीज़ें फॉसिल फ्यूल्स के बारे में जो भी दिए हुए हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे तो बेसिकली पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ लिखा है, तो उसको हमने क्या किया है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से दिया है, आप इसको देख लीजिए. नेम मेनी टू फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम हो गया. नेम मेंशन फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. डिसएडवांटेजेस जैसे मैंने बताया था, इट इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इट रिलीजेस एसिडिक ऑक्साइड्स इनटू द एनवायरमेंट. यहाँ पे आप चाहो तो ऑक्साइड्स का नाम भी लिख सकते हो. बुक में क्या क्या ऑक्साइड्स के नाम लिखे हैं, कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर. इट रिलीजेस एसिडिक ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर. आप चाहो तो ये भी ऐड कर सकते हो, इनटू द एनवायरमेंट कॉजिंग एसिड रेन. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी होती है. एंड बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम कॉजेज एयर पोल्यूशन. दोनों अलग अलग चीज़ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करना और एयर पोल्यूशन कॉज करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. भले ही इंटरलेटेड हैं पर हैं अलग अलग चीज़. तो डिसएडवांटेज आए तो डिसएडवांटेज में ये पॉइंट्स लिखना. और इसमें ध्यान रहे कि 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो 2 पॉइंट्स लिखने हैं. तो कितने मार्क्स का क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन डैट तुमको लिखने हैं. 4 पॉइंट्स हैं, 4 में से कोई भी 2 पॉइंट लिखना ज़्यादा अच्छा होगा. अगर आप ऊपर के पॉइंट्स लिखें तो बेहतर होगा. ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, इट रिलीजेस एसिडिक ऑक्साइड्स. आगे चलते हैं.
What is acid rain? The rain containing the acidic oxides such as carbon, nitrogen and sulfur. अब हम लोग ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, इतना सारे अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ क्यों रहे हैं, जब हमको पता ही है कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो है अपने पास, फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है, तो क्यों हम उन एनर्जी सोर्सेज को देखना चाहते हैं? क्यों हम इतने रिसर्च कर रहे हैं कि हमारे सोलर सेल्स की एफिशिएंसी बढ़े, सस्ता हो, ये सब क्यों कर रहे हैं? क्यों हम विंड एनर्जी की तरफ देख रहे हैं? क्यों हम दूसरे सोर्सेज की तरफ देख रहे हैं? क्यों देखने की ज़रूरत ही क्या है? तो उसके लिए ये क्वेश्चन है, व्हाई आर वी लुकिंग एट अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी? व्हाई इज़ देयर ए नीड टू हार्नेस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? दोनों क्वेश्चंस अलग अलग दिखने में हैं पर आंसर दोनों का सेम है. ये देखिए काफ़ी लॉन्ग आंसर्स इसका मैंने लिखा है, ठीक है, डिस्क्राइब किया है. फॉसिल फ्यूल्स, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, वाई आर वी लुकिंग एट, हाँ ये देखिए, फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ लिमिटेड एंड कैन नॉट रिप्लेस ऑन दिस. पहला कारण ये कि फॉसिल फ्यूल्स जो है नॉन रिन्यूएबल है, किसी ना किसी दिन वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए अभी से ही हमको देखना पड़ेगा कि और क्या क्या सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम कंज्यूम कर सकते हैं. तो इसके कारण से ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा, विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स द डिमांड फॉर एनर्जी इज इवर इंक्रीजिंग एंड हैंस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ओनली वन और टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू मीट डैट डिमांड. अच्छा, ये चीज़ है कि पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है और लोगों की लाइफ स्टाइल भी बदल रही है, तो एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसके लिए सिर्फ हम एक या दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर डिपेंडेंट रहेंगे तो एनर्जी सोर्सेज से काम नहीं चलेगा. फिर हमको इसलिए चाहिए कि हम और जितने भी हो सके अलग अलग एनर्जी सोर्सेज की तरफ देखें और उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें. फिर एनर्जी व्हेन प्रोड्यूस शुड बी क्लीन एंड एफिशिएंट, ये भी एक मुद्दा है. क्यों हमको, अब देखो क्या होता है, किसी सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हमको क्लीन एनर्जी नहीं मिल रही है तो हमको ऑब्वियसली ज़रूरत है कि हम किसी दूसरे सोर्स की तरफ देखें जहाँ से हमको क्लीन एनर्जी मिल सके. जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी बहुत ही क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी. इसलिए हमको ज़्यादा जरूरी है कि हम उधर भी थोड़ा सा ध्यान दें कि उधर से हम कैसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो यही कारण है कि हमको अदर सोर्सेज में भी देखना है. और ये फाइनली ये जो पॉइंट है इतना इम्पॉइंट नहीं है बट इसको भी ध्यान में रखना. डिफरेंट इकोलॉजिकल फैक्टर्स इफेक्ट द कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी एंड हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लुक एट अल्टरनेट एंड बेटर सोर्सेज ऑफ एनर्जी सुइटेबल फॉर पर्टिकुलर लोकेशन. तो इसमें ये जो पॉइंट है, चौथा वाला पॉइंट, इस पर ये लिखा हुआ है कि कमर्शियल वायबिलिटी भी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपको समझ में आ गया, जैसे अभी मैंने बताया कि सोलर एनर्जी अच्छी है लेकिन सोलर एनर्जी कमर्शियली महंगा है, तो इसलिए हमको फिर क्या है, फिर सोलर एनर्जी से भी हट के कुछ देखना पड़ेगा जहाँ पर हमको सस्ती एनर्जी मिल सके. और इसी कारण से हमको ये चार कारणों की वजह से हमको अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी को देखने की जरूरत है. व्हिच फ्यूल इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स? फॉसिल फ्यूल्स, ये तो मैंने बताया. तब थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में यहाँ पढ़ते हैं. थर्मल पावर प्लांट्स होता है, पावर प्लांट्स वो होती हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, एनर्जी बनाती हैं. और थर्मल जब लिख दिया गया तो थर्मल का मतलब है कि हीट की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस होती है. कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. हम लोग जो एनर्जी यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द एनर्जी आप पाओगे कि वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं. और वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है? वो होती है थर्मल पावर, ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट से प्रोड्यूस होती है. इस पैराग्राफ को देखो, यहाँ पे इसको रीड कर रहा हूँ. लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड एवरी डे इन पावर स्टेशंस टू हीट अप वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम व्हिच फर्दर रन्स द टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट देन ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस. देयरफॉर मेनी थर्मल पावर प्लांट्स आर सेटअप नियर कोल और थर्मल पावर प्लांट्स. हाँ ठीक है, तो मैं ये आपको समझा देता हूँ क्या लिखा है इसमें. तो जो भी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है ना. होता क्या है, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा ये दिया हुआ है,
कि हम जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं, पानी को जब गर्म करते हैं, तो पानी को गर्म करते हैं तो पानी भाप में चेंज होता है, और जब हम वाप को स्ट्रीमलाइन करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो वाप इतनी तेज़ी से निकलता है कि वो टरबाइन को भी घुमा सकता है। और आप जानते हैं कि जब टरबाइन घूमती है तो क्या होता है, यहाँ पे टरबाइन के घूमने से डायनमो की मदद से यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ें हमने प्रीवियस चैप्टर फिजिक्स के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो थर्मल पावर प्लांट का जो ऑपरेशन है उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले, कोल मतलब क्या, कोयला, कोयले की मदद से वाटर को हीट की जाती है, और वो जो वाटर को हीट करते हैं तो उसमें से स्टीम प्रोड्यूस होता है, और वो स्टीम को यूज़ की जाती है टरबाइन को घुमाने में। अब टरबाइन जब घूमता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब देखो यहाँ पे, देखो ये ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट देन ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है, ये जो मैं बता रहा था, व्हाई थर्मल पावर प्लांट्स आर सेटअप नियर कोल और ऑयल फील्ड्स। तो उसका कारण ये है कि कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स, हमने देख लिया। द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज मोर एफिशिएंट, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांस का जो ट्रांसमिशन होता है वो ज़्यादा ईजी होता है, रैदर देन कि हम हर एक शहर में अलग अलग जाएं और वहाँ पे कोल और पेट्रोलियम की माध्यम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें और फिर शहरों में बांटें। वो करने से अच्छा है कि हम लोग एक ही जगह में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें और इलेक्ट्रिसिटी को पूरे देश में हर जगह बांट दें, ठीक है। तो इसलिए वो लिखा है कि जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे कोल फील्ड है या फिर ऑयल फील्ड है, उसी के पास उन्होंने पावर प्लांट्स लगा दिया, वहाँ पे उन्होंने एनर्जी जनरेट की, और उस एनर्जी को क्या किया, उन्होंने उस एनर्जी को पूरे देश में बेसिकली ट्रांसमिट कर दिया। तो इसलिए थर्मल पावर प्लांट्स आर सेटअप नियर कोल और ऑयल फील्ड्स। वाई थर्मल पावर प्लांट्स आर नेम्ड सो, थर्मल पावर प्लांट्स आर नेम्ड सो क्योंकि थर्मल का मतलब ये, द टर्म थर्मल पावर प्लांट इज यूज सिंस फ्यूल इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि हीट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए उसको नाम थर्मल पावर प्लांट दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। और तब तक आप क्या करिए, आप सारे जितने भी मैंने क्वेश्चंस अभी दिए हैं, देखे आपने, उन सारे क्वेश्चंस आंसर्स को आप लिख लीजिए, ये जितने भी हैं 12 तक, सारे क्वेश्चन आंसर्स को लिख लीजिए, याद कर लीजिए उनको, और ये चैप्टर की तैयारी ऐसे ही हो जाएगी। कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जितना मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इतना ही कर लीजिए, ये चैप्टर की तैयारी ऐसी ही हो जाएगी। थैंक यू।